अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट स्टील का परचेज और सेल का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट, मास्टर टाइटल, कंपनी, कैटेगरी, आइटम। सबसे पहले आते हैं मास्टर ग्रुप के अंदर। इसको हमने यहाँ पर फुल व्यू किया तो ये हमारे पास डिफरेंट ग्रुपिंग्स है, यानी कि कैश बुक हमारी जो डेली का रोजनामचा है वो 01 ग्रुप में बनता है, पेबल अकाउंट्स हमारे बनते हैं 04 के अंदर, रिसीवेबल यानी कस्टमर्स बनते हैं 05 के अंदर। उसके अलावा 06, 07 ग्रुप्स में भी हम अपने सारे कस्टमर्स आके बना सकते हैं। फिक्स एसेट बनेंगे 49 में, कोई कैपिटल अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह ऐड होती है तो 50 में, परचेज और सेल के ऐड बनेंगे 60 और 71 में, और हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो बनते हैं 98 के ग्रुप के अंदर। यहाँ पर हम आते हैं मास्टर के अंदर टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर। इसको हम करते हैं यहाँ पे फुल व्यू। यहाँ पर हमारे पास जैसे ये देखें बैंक बने हुए हैं, कैश बुक बनी हुई है, इसके अलावा 04 के अंदर ये हमारे सप्लायर्स बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास कस्टमर्स हैं, अकाउंटर्स बने हुए हैं, अकाउंटर सेल कर सकते हैं हम, कस्टमर्स के नेम बने हुए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मास्टर टाइटल के अंदर अपनी पार्टीज को ऐड करेंगे। पेबल, रिसीवेबल, बैंक जितने भी हैं सब यहीं से बनेंगे। उनको देखना होगा तो हम फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर ट्रायल बैलेंस लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से एंडिंग डेट आने देता हूँ, लेजर भी स्टार्टिंग से एंडिंग तक। जब मैंने इसको ओके किया तो ये कंप्लीट एक लेजर दिखाएगा मुझे कि हमारी कैश बुक में कैश कितना पड़ा है, बैंक के अंदर कितना कैश पड़ा है, पेएबल अकाउंट्स हमारे कौन कौन से हैं, उनके नेम आ रहे हैं, साथ में उनके बैलेंसेस आ रहे हैं, और टोटल हमारा कितना क्रेडिट देने वाला है। ऐसे ही नीचे रिसीवेबल्स का ग्रुप आ जाएगा कि कौन कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिनसे हमने क्या क्या बैलेंसेस लेना है। तो ये सारे 05 के हमारे कस्टमर्स जा रहे हैं जिनके ये बैलेंसेस लेने वाले खड़े हैं, ठीक है। इनका टोटल इनके लास्ट के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट 156 अकाउंट्स बने हुए हैं और ये 22 लाख समथिंग हमारा डेबिट में बैलेंस पड़ा है जो कि हमने लेना है। तो इस तरीके से एक्सपेंसेस भी हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, जो भी सैलरीज वगैरह हैं, कोई किराया वगैरह है, शॉप रेंट है, हर चीज़ का हमारे पास एक्सपेंस का भी यहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा। उसके बाद मास्टर में आने के बाद, टाइटल ऑफ अकाउंट के बाद हम आते हैं मास्टर कंपनी, मास्टर कैटेगरी और आइटम पे। कंपनी से मुराद किस कंपनी के प्रोडक्ट रखते हैं, कैटेगरी से मुराद किस टाइप की चीज़ है, और आइटम के अंदर हम एग्जैक्ट आइटम बताते हैं। सबसे पहले हम कंपनी खोलते हैं, इसको फुल व्यू किया, जैसे महबूब पाइप, मिक्स कंपनी, मॉडल स्टील, ये डिफरेंट सारी रोलिंग मशीन, इस तरह डिफरेंट हमारी कंपनीज के नेम बने हुए हैं। नई कंपनी ऐड करनी है तो यहाँ से सिंपल ऐड कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी आ जाती है टाइप्स, यानी कि उसमें हमारे पास ये एंगल आते हैं, पट्टी आती है, सरिया आता है, पाइप आता है, ठीक है, जो भी चीज़ें हमारी कैटेगरीज वाइज यहाँ पे सारी ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर मास्टर आइटम प्रोफाइल के अंदर हम उन आइटम्स को एक्चुअल में बनाते हैं। यहाँ पर हम ऐड करेंगे, कोड आएगा, आइटम का नेम आएगा, उसका उर्दू नेम आएगा, वेट ग्राम आएगा, सेल रेट आएगा, परचेज रेट आएगा, स्टॉक जितना पड़ा है वो लिखेंगे, उसकी कैटेगरी और कंपनी जो हम पीछे बना के आएंगे वही हम यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको सेव कर देंगे। जैसे अगर मैं अभी फुल व्यू करता हूँ तो मेरे पास जो जो आइटम्स ऑलरेडी बनी हुई हैं वो यहाँ पर दिखा रहा है कि जैसे ये एंगल्स हैं, ये एंगल थी कैटेगरी, लेकिन इसके अंदर आइटम का नेम ये है, एंगल ये आगे उनके साइजेस लिखे हुए हैं, ये सारे एंगल हैं, साथ में उर्दू नेम भी लिखे हुए हैं इनके, ये सारे एंगल्स जा रहे हैं, पट्टी बनी हुई है, उनके आगे हमारे पास सरिया बना हुआ है, ठीक है, पाइप बने हुए हैं, आगे उनके हमने वेट और रेट भी सारे यहाँ पे रखे हुए हैं कि ये परचेजिंग रेट है, ये उनके सारे सेल रेट हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेंड लिस्ट करके भी हम यहाँ पर पूरी देख सकते हैं लिस्ट हमारी जो जो आइटम्स हमारे पास यहाँ पर ऐड हैं, किस कंपनी की, कौन कौन सी टाइप की, कौन कौन सी आइटम हमारे पास पड़ी हुई है और उनकी क्या क्या परचेज रेट्स, ठीक हो गया। यहाँ पर आइटम्स बनाने के बाद हमारे पास ऐड रिकॉर्ड के अंदर काम आ जाता है कैश रिसीव वाउचर, यानी कि अगर किसी से भी कैश आपने लेना है पार्टी से तो कैश रिसीव वाउचर करेंगे, पेमेंट करनी है तो पेमेंट वाउचर करेंगे, बैंक के थ्रू अगर कोई एंट्री करनी है तो डेबिट क्रेडिट वाउचर करेंगे, डेबिट हम पार्टी करेंगे, क्रेडिट हम अपने बैंक को कर देंगे। तो इस तरीके से परचेज के इनवॉइस आ जाएगी, इसमें परचेज इनवॉइस के अंदर इसको इनवॉइस देंगे, यहाँ पर हमारा सप्लायर का कोड आएगा, सप्लायर नेम देंगे, उसके बाद इंटर इंटर करके यहाँ पर आइटम का नेम देंगे, जो भी एंगल वगैरह हमने लेना है, उसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है, वो क्वांटिटी क्या रेट है, वैल्यू ऑटोमेटिकली बना के उसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। एंट्री हमारी इस तरीके से सेव हो जाएगी, इनवॉइस का एडिट भी कर सकते हैं, मोर एंट्री के थ्रू हम एक ही इनवॉइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा आइटम्स को परचेज कर सकते हैं। तो जो भी हमारी यहाँ पर परचेजिंग होगी ऑटोमेटिकली पार्टी के लेटर में भी जाएगी और हमारे पास डेली भी परचेज रिपोर्ट के अंदर भी आएगी। डेली परचेज खोल लें, सप्लायर वाइज खोल लें, आइटम वाइज खोल लें, कोई भी रिपोर्ट आप खोल के देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सप्लायर वाइज खोल लेता हूँ। अगर मैं एग्जैक्ट आज की डेट देता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ आज के दिन की एंट्री दिखाएगा जो मैंने अभी अभी परचेज की है।
तो ये इसने दिखाया, अली खान से आपने खरीदा है एंगल जो कि 1000 क्वांटिटी था, ये रेट था 1,18,000 का। अगर मैं ओवरऑल सारी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ मंथ वाइज या पूरे साल की, तो मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक डेट रहने दूंगा और इसको ओके ओके करूंगा, तो ये सारी मुझे रिपोर्ट दिखा देगा कि आपने कौन कौन सी पार्टी से, कौन कौन सी कैटेगरी की, कौन कौन सी आइटम, कितनी क्वांटिटी ली है, किस रेट में ली है। तो ये हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारे पास 19 पेजों के ऊपर रिकॉर्ड आया कि हमने ये 72 लाख समथिंग जो भी हमारी अमाउंट बनी है, इतनी की हमने परचेजिंग ऑलरेडी की हुई है। तो यहाँ पर डेली परचेज भी है, सप्लायर वाइज भी है, मंथ वाइज भी है, जिस तरीके से मर्जी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लेजर आ जाता है पार्टी का, अगर लेजर देखना है तो लेजर को हम यहाँ से देख सकते हैं। आप जैसे मैंने अली खान से भी परचेजिंग की है, मैंने वही नेम यहाँ पर जब सर्च करके दिया, एंटर एंटर किया, तो ये इसने मुझे उसका पार्टी का लेजर दिखा देना है कि ये पार्टी से आपने पैसे कितने देने। 22,000 हमने ऑलरेडी उनका पहले देना था, उनके लेजर में कुछ अमाउंट खड़ी थी, और ये हमने जो आज की परचेजिंग डाली है 1,18,000 की, वो भी ऐड होके 1,90,000 हो गया। और इसी तरीके से लेजर को हम डिटेल में भी देख सकते हैं, कैश बुक देख सकते हैं, अगर हम किसी से भी कैश रिसीव करेंगे वो ऑटोमेटिकली एंट्री कैश बुक में आ जाएगी। ट्रायल बैलेंस आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि हमारे पास जो भी बैलेंस होगा वो ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बैलेंस शीट आ जाती है, बैलेंस शीट ओपन कर लेते हैं। इंटर इंटर किया, यहाँ पे हमने ओके किया, तो ये हमारे पास यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि हमारे पेएबल कौन कौन से हैं, कितना बैलेंस देने वाला है, पेएबल्स का, रिसीवेबल का कितना है, और कितने वैल्यू का स्टॉक पड़ा है, हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू है इस टाइम पे। उसके बाद एड रिकॉर्ड के अंदर वापस आते हैं, होलसेल की इनवॉइस है, हम होलसेल कस्टमर के नाम पे सेल करेंगे, यहाँ पर कस्टमर का नेम देंगे, और उसके बाद जो भी आइटम होगी वो आइटम का नेम देके उसको यहाँ से सेल कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम काउंटर सेल करते हैं तो फिर हम यहाँ पे सेल काउंटर खोलेंगे, और यहाँ पर भी हम पार्टी का नेम देंगे जिस भी बंदे को हम सेल कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर आइटम का नेम देके जो भी एंगल वगैरह हमने सेल करना है, कितनी क्वांटिटी करनी है, कितने रेट में करनी है, यहाँ से हम उसको सेल कर देंगे। ये सेव हो जाएगा, इसको हम यहाँ से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, तो ये हमारा कमांड चली जाएगी प्रिंटर को सीधी। तो इस तरीके से सेल के 3 काउंटर्स हैं, एडिटिंग लगी हुई है इनवॉइस की, परचेज रिटर्न अगर करनी है रिटर्न हो जाएगी, और उसके बाद मटेरियल इशू है, अगर हम उसको कोई प्रोसेसिंग वगैरह करवाना चाहते हैं तो इशू भी करेंगे प्रोसेसिंग के लिए, और वापसी उससे लेके रीप्रोसेस करके हम वापस ले लेंगे। मैकेनिक सेल इनवॉइस है, यानी कि आप एक टाइम पे 10-15 बिल से ज़्यादा अगर बिल बनाना चाहते हैं तो मैकेनिक सेल के थ्रू हम यहाँ पे बिल बना सकते हैं। इसमें हमारा बिल कंटिन्यू पे रहेगा, यानी कि हम यहाँ पर मशीन नंबर दे देते हैं, जैसे वर्क M1 मैंने मशीन नंबर दे दिया, एक बिल बनाया मैंने, एंगल दिया, उसकी क्वांटिटी बताई, इंटर इंटर करके उसको कर दिया सेव, और इसके बाद जब अगला बिल बनाना है तो ऐड न्यू कर देंगे, M1 बिल साइड पे चला जाएगा, नेक्स्ट बिल हम यहाँ पे बता देंगे, M2 बता दिया, वो बिल अलग से यहाँ पे चलता जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हमारी क्वांटिटी हम देंगे उसका बिल अलग से बनेगा। इनकी जब पेमेंट्स क्लियर हो जाएंगी तो बिल प्रिंट करके बिल पेड एंड क्लियर कर देंगे। एक बिल क्लियर हो जाएगा, दूसरा बिल जो उनसे है उसको अगर कंटिन्यू करना है तो वापस हम रिकॉल कर लेंगे, यहाँ पे मजीद कोई चीज़ ऐड करनी है तो कंटिन्यू कर लेंगे, वरना इसको प्रिंट करके बिल पेड एंड क्लियर कर देंगे। और उसके बाद हम यूटिलिटी में जाके काउंटर सेल ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि जो भी काउंटर्स की सेल होगी वो हमारे मेन प्रोग्राम में ट्रांसफ़र हो जाएगी इस तरीके से मैसेज देके। तो वो जो सेल यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी सेल रिपोर्ट के अंदर। मैं डेली सेल रिपोर्ट खोल कर दिखा देता हूँ, ओवरऑल पहले सारी रिपोर्ट दिखा देता हूँ खोल के, जो पहले सेल्स वगैरह डली हुई हैं ये वो सारी सेल्स आ रही हैं, डेट वाइज आ रही हैं, 1/12/2019 की, 7/12/2019 की, ये हमारे पास हर डेट की यहाँ पे एंट्रीज आ रही हैं। जब लास्ट पे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आज की डेट की भी आ जाएगी, यानी कि 24/5 की ये जो मैंने एंट्रीज डाली हैं, एक मैंने काउंटर से सेल की थी, ये मैंने मैकेनिक सेल से 2 सेल्स की हैं, 3,638 रुपये की आज की सेल हुई है, और ये ओवरऑल सारी सेल दिखा रहा है। अगर सिर्फ एग्जैक्ट आज की सेल देखनी है तो यहाँ पर एग्जैक्ट डेट दे दें सिस्टम की और उसको इंटर इंटर करके ओके कर दें, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आज की वो सेल रिपोर्ट दिखा देगा कि आपने 3,638 रुपये की आज की सेल की है। इसी तरीके से हमारे पास कस्टमर वाइज रिपोर्ट है, आइटम वाइज है, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज है। आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस वाइज खोल के देख लें कि 24 डेट थी और आज के दिन में हमने जो भी सेल की है हमें कितना उस पर प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर वो आपको दिखा देगा कि आपको कॉस्टिंग में ये चीज़ कितने की पड़ी थी, आपने कितना उस पर प्रॉफिट कमाया है, 1,430 रुपये का इस सेल के ऊपर हमारा प्रॉफिट हुआ है। ये परचेजिंग में हमें 2,200 की पड़ी थी, हमने 3,600 की सेल की है, तो 1,430 रुपये प्रॉफिट हुआ है, जो कि 40% प्रॉफिट निकल रहा है।
स्टॉक रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, जो भी हमारा स्टॉक हम परचेज करते हैं वो यहाँ पर शो होगा स्टॉक इन हैंड के अंदर। इंटरनेट करके हम यहाँ पर सारा स्टॉक देख सकते हैं, कंपनी वाइज कैटेगरी वाइज ये सारा स्टॉक आ रहा है, कितनी कितनी क्वांटिटी पड़ी है, किस किस एवरेज रेट पे आ रही है, क्या क्या उसकी वैल्यू है, तो ये सारा हमारे पास यहाँ पे स्टॉक आ रहा है। मिक्स कंपनी का एंगल वाइज, पट्टी वाइज, सरिया वाइज सारे स्टॉक हमारे पास यहाँ पे शो कर रहा है कंपनी वाइज। और टोटल हमारे पास ये यहाँ पे 69 लाख समथिंग का स्टॉक पड़ा हुआ है। और अगर इसे स्टॉक हम कंपनी वाइज देखना चाहें कंपनी वाइज भी देख सकते हैं, बाय नेम देखना चाहें बाय नेम भी देख सकते हैं, जिस मर्जी कंपनी का नेम दे दें और इंटर करके जब ओके करेंगे तो वो सिर्फ उस कंपनी का स्टॉक जितना पड़ा होगा वो दिखा। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर बैकअप की ऑप्शन है, यूटिलिटी के अंदर बैकअप की ऑप्शन भी है। और इसके अलावा हमारे पास परचेज के अंदर बारकोड प्रिंटिंग की ऑप्शन भी है, अगर हम बारकोड वगैरह जनरेट करके लगाना चाहते हैं तो हम वो भी इसमें लगा सकते हैं। बाकी लेजर है, लेजर डिटेल है और ऑल पार्टीज डिटेल है, ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारे पास बिल एजिंग है, ये हमारे पास बिल एजिंग की ऑप्शन भी लगी हुई है। इसके अंदर जाके हम अपना ग्रुप बताएंगे कस्टमर्स का, इंटर करेंगे तो वो हमारी पूरी रिकॉर्ड यहाँ पर प्रोसेसिंग करके दे देगा किस किस पार्टी को कितने कितने दिन का हमने उधार दे चुके हैं, उनसे कब कब रिकवरीज लेनी है, ये सारी प्रोसेसिंग करके लाएगा। ऑलमोस्ट 150 के राउंड अबाउट हमारे पास इसमें रिकॉर्ड है, तो वो सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पे मर्ज करके लाएगा। तो ये हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे अभी हमें शो हो जाएगा, ये हमारा सारा आ गया कस्टमर वाइज हमारा रिकॉर्ड आ गया। और प्रिंट करने पे हमारे पास यहाँ पर ऑल कस्टमर एजिंग रिपोर्ट आ जाएगी, कितने कितने दिन का हमने उनको क्रेडिट अंडर रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम उनके डेट्स वगैरह देते होते हैं, उस हिसाब से हमें हर पार्टी का बिल वाइज पता चल जाता है कौन सा बिल कितने दिन पहले का हमने उनसे उधार किया हुआ है। तो उसके अलावा हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर यहाँ पे फोन वाइज ट्रायल बैलेंस है, ओवरऑल ट्रायल बैलेंस है, हैवी अमाउंट रिसीवेबल्स हैं वो देख सकते हैं, जिनकी ज़्यादा अमाउंट्स लेने वाली हैं हमें उनका रिकॉर्ड भी यहाँ पे सारा मिल जाएगा, कौन कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जिनसे क्या क्या बैलेंसेस लेने वाले हैं, तो इस तरीके से सारी रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर है। इसके अलावा मजीद कोई क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।